हेलो एवरीवन, मैं भी आदेश और चॉइस कंप्यूटर्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो यहाँ पर आप अपने कीबोर्ड में विंडोज बटन के साथ आर प्रेस करें, आप देखेंगे कि यहाँ पर रन कमांड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको टाइप करना है क्रोम CHROME। इंटर आप पास करेंगे, आप देखेंगे कि गूगल यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप मैक्सिमाइज को क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरा स्क्रीन जो है मैक्सिमाइज हो चुका है। अब यहाँ पर जो है कि आप हमारे वेबसाइट के अंदर पहुँच सकते हैं, जहाँ से आप कंप्यूटर संबंधी अनेकों जानकारी यहाँ से आप जो है नॉलेज में ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर नोट्स भी लिख सकते हैं आप, जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, टैली है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस तरह के। साथ में आप जो है हमारी वेबसाइट की मदद से जो है सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूट्यूब के भी लिंक दिए हुए हैं, यहाँ से भी आप जो है हमारे यूट्यूब तक पहुँच सकते हैं। इसके साथ साथ जो है कि अगर जो है कि हम गूगल के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करें, तो जैसे कि हमको एक नया पेज लेना है, तो यहाँ पर हम जो है क्लिक करते हैं तब एक नया पेज आता है, लेकिन इसको शॉर्टकट टिक की मदद से जो है हम इसको ले सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कंट्रोल के साथ जो है टी प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे एक नया पेज आ चुका है। तो इस तरह से हम नया टैब लेने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर हमको जो है कि ये जो है कि पेज तो खुला हुआ है, यहाँ पर ये विंडो खुला हुआ है, लेकिन हमको नया विंडो ओपन करना है, तो उसके लिए हम जो है कि कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे और आप देखेंगे एक नया विंडो ओपन हो चुका है। यहाँ पर इस तरह से हम जो है कंट्रोल एन दबा करके नया विंडो भी ओपन कर सकते हैं। साथ में अगर हमको इनकॉग्निटो मोड स्टाइल पे जो है कि हमको जो है अपना विंडो ओपन करना है, तो हम क्या यहाँ पर टाइप करेंगे, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और एन प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर से जो है कि हम इनकॉग्निटो मोड पे आ करके हम जो है अपना कोई भी वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर सर्च किए गए जानकारी को जो है हम यहाँ पर जो है गूगल हिस्ट्री में नहीं दिखाता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थ्री डॉट दिए हुए हैं, इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री का ऑप्शन ही नहीं देता है। तो जो है इनकॉग्निटो मोड स्टाइल पे लेकर के आप जो है अगर ऐसा चाहते हैं कि आपके द्वारा सर्चिंग किए गए जानकारी को जो है कि कोई जान ना पाए, तो उस कंडीशन पे आप जो है इस मोड पे आकर के वर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है कि अगर आप चाहें तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट लिया हुआ है, आप देख सकते हैं, अब मैंने इसको अगर गलती से बंद कर दिया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई वेबसाइट नहीं है, तो हम उसको फिर से ला सकते हैं। तो इसके लिए हमको कमांड देना होगा, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और टी हम प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये वेबसाइट फिर से आ गए हैं। तो इस तरह से जो है कि इसके टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपने जो गूगल ओपन किया हुआ है, ये जो थीम आपको नज़र आ रहा है, इसको चेंज करना है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कस्टमाइज क्रोम का, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है आपको अनेकों टाइप के थीम स्टाइल दे रहे हैं, आपको जो भी स्टाइल पसंद आता है सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसके अंतर्गत बहुत सारे टाइप के जो है वॉलपेपर्स देंगे, जो भी आपको स्टाइल पसंद आता है उसको आप क्लिक कर लें। अब क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पर डन करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है गूगल का थीम जो है चेंज हो चुका है। फिर से आप इसमें जाएंगे और इसमें जाने के बाद अगर आपको लगता है कि जो है कि यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं टॉप में जो है कि टाइटल बार में जो है आपको यहाँ पर जो कलर चेंज दिखाई दे रहा है, अगर आप इसका भी कलर चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप जाएंगे और जाने के बाद जो भी आपको कलर चाहिए आप देख सकते हैं ऊपर चेंज हो गए हैं, यहाँ पर इसको हम क्लिक कर रहे हैं तो चेंज हो गए हैं। तो इस तरह से आप कलर को भी चेंज कर सकते हो। फिलहाल ये पहले जैसा ही मेरे को लाना है, इसलिए जो है मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पर ये थीम मेरे को अगर अच्छा लग रहा है और रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, अदरवाइज अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो फिर से हम कस्टमाइज इस पेज में जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद हमको यहाँ पर जो है गूगल का इंटरफेस दिख रहा है, ये वाला ही मेरे को चाहिए, तो इसको मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो है डन को क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे कि वापस हम अपने स्टाइल पे आ चुके हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।